किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं श्री हरि प्रसाद जी के खेतों पे और उनसे यह जानने के लिए कि उनकी जो बेड़न जो धान की नर्सरी है वह पीली पड़ गई है। तो पीली पड़ने के पश्चात क्या क्या क्रियाएं उन्होंने की जिनसे उनकी बेड़ अच्छी हुई, जो नर्सरी है वो अच्छी हुई, या किस प्रकार से नर्सरी को अच्छा कर सकते हैं, यह सभी चीज़ें जानने के लिए आज हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ को उन्होंने किया और किसके मार्गदर्शन से उनको यह आइडिया आया कि यह नर्सरी का जो पीलापन है उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि यह एक बीमारी बन चुकी है अब कि सभी की बेरन जो है, अब गर्मी जो है वो पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सब तापमान बढ़ गया है। 42 तब पिछले साल जो है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहता था, जो कि अब की बढ़कर 46 से 47-48 तक पहुँच गया है। तो किसान की तो हालत वैसे भी खस्ता थी, आजकल एकदम बेकार सी हो गई है, क्योंकि वह क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज सीधे हम बात करेंगे हरि प्रसाद जी से कि वह क्या सोचते हैं इस बारे में। आप बताइए, अपना परिचय दे दीजिए दादा। हरि प्रसाद। अच्छा, तो आपने जो धान जैसे बेरन पीली हो जाती है तो उसके लिए किसान क्या क्या विकल्प हैं, आपने क्या अपना है? जिंक और यूरिया डाला जाता है। अच्छा। सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं, जो एक वर्णित है किताबों में कि अगर पौधे की पत्तियां जब निचले भाग में पीली पड़ती हैं तो उसका मेन सोर्स होता है नाइट्रोजन की कमी, और जब ऊपरी पत्तियां जो ऊपर जो टॉप पे होती हैं वो पत्तियां अगर पीली पड़ती हैं तो उनमें सल्फर की कमी होती है, और अगर आपकी पत्तियों में गर्मी के कारण वो सिकुड़ सी जाती हैं या एक लाल कलर की होती जाती हैं तो उसमें आप जो है जिंक का और यूरिया की ट्रॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को आपने कैसे किया अपने खेतों में, मतलब कैसे आपने जाना कि ये इस चीज़ों को हम करें? जो पीली पड़ रही है जी जी, तो उसके लिए जो है हमने जिंक और सल्फर का प्रयोग किया। जी जी। अच्छा, तो आप जैसे सुन पा रहे हैं, काका ने दादा ने हमको ये बताया कि यह जो प्रक्रिया है ये, मतलब आप सभी किसान जिसके खेत में भी धान की जो नर्सरी है वह अगर पीली पड़ गई है, वह अगर कांसे की तरह हो गई है या उसमें लाल कलर का दिखाई दे रहा है, तो पहले तो 2-4 नर्सरियों के पौधों को आप उखाड़ लें, उखाड़ के उनको चेक कर लें कहीं उसमें रोग तो नहीं लगा है या कोई फंगस लगा हो। जैसे इस टाइम पे क्या है कि फंगस भी लग जाते हैं, निमेटोड भी लग जाते हैं। निमेटोड में आपको पता है, रूटनाड निमेटोड जो होता है मतलब जड़ों को जो है ख़त्म कर देता है, उससे पौधे सूख जाते हैं। तो अगर आपके फंगस लगा है तो आप किसी एक जो आपका कृषि का जानकार हो, जैसे किसी स्टोर पे या किसी जो स्नातक हो एग्रीकल्चर से या किसी भी स्टोर पे जाकर आप उसे दिखाइए और समझाइए कि या हमारे खेत में ऐसे ऐसे पौधे में हो रहा है, तो आपको वह एक विधिवत जानकारी दे देगा कि इसके लिए आप कौन सी क्या प्रयोग करें। वैसे हम जो जानकारी देंगे कि अगर आपके खेतों की जो बेड़ पीली हो गई है, पत्तियां नीचे पीली हैं या ऊपर भी पीली हैं, तो आप यूरिया प्लस जिंक इन दोनों की मिलाकर टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। टॉप ड्रेसिंग में क्या होगा कि जब हम मशीन के द्वारा सीधे पौधों पर अप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो वो सीधे पौधे उसे अडॉप्ट कर लेता है, और जब हम आपको ज़मीन में जिंक और यूरिया की मात्रा को देते हैं तो आधा हमारा जो जिंक होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो इससे क्या होगा, टॉप ड्रेसिंग के जो मटेरियल हम अपने खेतों में डालेंगे वह सीधे हमारी पत्तियों में पड़ेगा और वह हमें जल्दी रिजल्ट देगा। टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से जल्दी रिजल्ट प्राप्त होता है। दूसरी यह बात कि अगर आपकी पत्तियां कांसे की तरह हो गई हैं तो भी आप इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर आपके खेत में फंगस लग गया है तो आप फंगस के लिए कोई फंजीसाइड ले लीजिए, जिसमें फंजीसाइड बाजार में उपलब्ध है, आप उस फंजीसाइड का उपयोग कर लीजिए, तो फंजीसाइड के द्वारा भी आपके फंगस जो है वो दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई निमेटोड लगा है तो निमेटीसाइड आपको लेना होगा, जिससे निमेटोड दूर हो। तो दादा, आप किसानों को लास्ट में क्या बताना चाहेंगे, नर्सरी में पानी किस तरह से लगाएं, किस किस दिनों में, मतलब 1-2 दिनों में, 3-4 दिनों में, कैसे 3-4 दिन के बाद पानी लगाना चाहिए? अच्छा, जैसा हम आपको किसान भाइयों बताएं, धान एक अधिक पानी चाहने वाली हमारी फसल है, तो आपको जो बेरन कब अच्छी होगी, जब आप उसके एक नियमित अंतराल पर पानी देते रहेंगे। उसमें क्या होगा, धान की बेरन जब तक हरी रहती है तो उसमें क्या होता है, उसकी पैदावार भी अच्छी होती है और उसका जो पौधा होता है वह तना और मतलब मुलायम नहीं रहता, अच्छा होता, बड़ा दृढ़ होता जाता है, मतलब 26 से 27-30 दिन के अंदर अंदर आपकी बेरन लगाने योग्य हो जाती है। जैसा कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ पे पानी की बहुत अधिक मात्रा में कमी है, क्योंकि ना तो नहरें चल रही हैं और ना तो भगवान की कृपा दृष्टि अब तक किसानों पर हुई है,
एक बार भी उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि अभी तक किसानों पर नहीं दिखाई है। इसी दृष्टिगत सभी किसानों के चेहरे उतर चुके हैं, क्योंकि भगवान जब तक उनके ऊपर ये बारिश रूपी कृपा नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही किसानों का जो हालत है वो खस्ता होती जाएगी। अब बेरन उनकी तैयार हो चुकी है, उनको लगाना भी है, तो अगर नहर आ जाता है तो उन्हें सुचारू रूप से एक सुविधा मिल जाएगी। तो दादा आप क्या बताएंगे कि मतलब धान जैसे अब लगाना है लोगों को, तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है धान के लिए? बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब पानी के बिना सब सूने ही मानो। तो आप जैसा किसान भाइयों आपने सुना, मैंने सारी बातें आपको एक लहजे में बताई कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की नर्सरी को पीलेपन से बचा सकते हैं, उसे मतलब हर एक चीज़ से बता सकते हैं। उसमें बस आपको ध्यान रखना होगा, उसकी नियमित देखभाल करनी होगी, क्योंकि एक भी दिन की जो गलती होगी वह अच्छे में नहीं होगी, आपका फसल बर्बाद करने में कोर कसर बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आप नियमित अंतराल पर उसे पानी दें और अपने खेतों को नियमित अंतराल पर देखने जाएं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी नए वीडियोज़ की, और उसे देखते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।